अभी मौजूद हैं हम सीपू बोर्ड कार्यालय के सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग, फार्मिस्ट आदि भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का तीसरा दिन जारी है। यहां पर अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को सरकार के सामने हुए रखते नजर आ रहे हैं। लगातार ये अभ्यर्थी पिछले दो दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम जानना चाहेंगे, सर पिछले तीन दिनों से आप धरना दे रहे हो, सरकार से कोई आश्वासन मिला? अभी तक हमारे को सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम पिछले तीन दिनों से यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे हमारी बहनें बैठी हैं, सब बैठी हैं। हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा काम चाहिए। किस कैडर से जुड़े? मैं नर्सिंग ऑफिसर के कैडर से जुड़ा हुआ हूँ। कितने पदों पर भर्ती? 8,750 पदों पर भर्ती है। किस कारण से नियुक्ति नहीं मिली? कारण कुछ नहीं है, कारण हमारी 95% काम हो चुका है अभी तक, लेकिन अभी सिर्फ हमारी को नियुक्ति है। नियुक्ति अगर दे दी गई तो बाकी का काम तो पूरा हो चुका है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। बाकी का काम पूरा हो चुका है। अगर सरकार ऐसे चाहती है कि हमारी को ये वैकेंसी पूरा नहीं करवाना चाहती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, उसके अलावा कुछ कारण ही नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों का सरकार पर आरोप है कि हमारा 95% काम पूरा हो चुका है इस भर्ती में, लेकिन सरकार द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कुछ अभ्यर्थी और हैं लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम चित्तौड़ से हैं साहब। किस भर्ती को लेकर? फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आए हैं साहब। 12 साल से लंबी चल रही है भर्ती, और अभी भी प्रोविजनल लिस्ट के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है साहब। अब कब तक पता नहीं सरकार जगेगी क्या जगेगी, लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे अब जब तक हम प्रोविजनल लिस्ट और नियुक्ति सूची जारी करवा के जाएंगे यहाँ से। सर आप कहाँ से? मैं दौसा से आया हूँ सर, फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग आए, जो कि 10 साल से अटकी हुई है, और अभी ये नई भर्ती 2023 में विज्ञप्ति निकली थी, जो कि जाँच के नाम पर डिले करते जा रहे हैं, और जाँच भी नहीं कर रहे और डिले कर रहे हैं। सर किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी जा रही आप? सर देखो, ये तो कुछ अधिकारी पता नहीं क्या कारण बताते, लेकिन हम तो हमारा जस्टिस चाहिए। 2012 के बाद में कभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं हुई, और फ्री मेडिसिन स्कीम 2013 में स्कीम वो फर्स्ट नंबर पे है इन कंट्री बोले तो, लेकिन वो इन्हीं फार्मासिस्ट के वजह है। लेकिन संविदा कर्मी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मतलब 10 साल हो गए सर, ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। 8 कैडरों में से 7 की तो प्रोविजनल लिस्ट आ गई थी, लेकिन फार्मासिस्ट की नहीं आई। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं सर, इसकी लिस्ट निकलवा के जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। यहाँ पे लोग बाग 3 दिन से धरना में बैठे हुए, इतनी ठंड में रात दिन यहाँ पे, इससे पहले भी किया था, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं पा रही है। ये है, देखिए अभ्यर्थी लगातार सरकार तक अपनी मांग को पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभ्यर्थी फार्मिस्ट, नर्सिंग भर्ती, ANM आदि कैडरों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सीपू बोर्ड ने मई 2023 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर किन मांग को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन? देखो, मैं सुरेंद्र मीणा, लैब टेक्नीशियन स्वयं माधोपुर से हूँ। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं नियुक्ति को लेकर। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें यहाँ सिप्पू के गेट के आगे रस्सा बांध के बलिदान देना क्यों नहीं पड़े, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। ये मांग है हमारी। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। कब तक धरना जारी रहेगा? धरना तब तक जारी रहेगा तब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कुछ अभ्यर्थी और हैं जो अपने हाथों में जय श्री राम का झंडा लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर लगातार आप यहाँ पर तीसरे दिन से प्रदर्शन कर रहे हो, किस भर्ती से जुड़े हो? क्या नर्सेस GNM भर्ती से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती। जो 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। गोयल सरकार ने भर्ती निकाली थी, लेकिन उस पर वो आचार संहिता लग जाने के बाद ये भर्ती वहीं पर रुक गई। 95% तक इस भर्ती पर काम हो चुका है, PV लिस्ट सब जारी हो, कि केवल ज्वाइनिंग देनी बाकी थी, जो ये भाजपा सरकार जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दिलाने की कोशिश। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार द्वारा अभी तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिली। भाजपा सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम लगातार बात करना चाहेंगे। सर पिछले 3 दिनों से आप धरना दे रहे हो, सरकार से या बोर्ड से कोई अभी तक आपको आश्वासन मिला? नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं मिला है। गोलियों पे गोलियां दी जा रही, पहले भी दी गई थी, जो अपनी आचार संहिता से पहले अब प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई थी सर। और BJP सरकार ने वादा किया था कि हमारी जैसे ही सरकार आएगी, फर्स्ट कैबिनेट में आपकी समस्याओं का समाधान करके आपको नियुक्ति दे देंगे। हमारी बहनें सड़कों पर सो रही है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है,
अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और ये वादा करते हैं कि हम नारी सुरक्षा करेंगे, नारी को मतलब नारी सुरक्षा देंगे। जो भी है माता बहने सारे रात को यहीं पे सोती है सर, और देख लीजिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे बैठी हुई है। हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी समस्याओं का अगर निवारण नहीं होता है तो हम आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लगातार सैकड़ों की संख्या में महिला अभ्यर्थी भी मौजूद है। कुछ महिला अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे कि ये बोर्ड के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मैम, पिछले 3 दिनों से आप धरना दे रहे हो, बोर्ड द्वारा भी कोई आश्वासन मिला? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई मंत्री यहाँ पे आए हैं, ना सिपू से हमें कोई भी आश्वासन मिला है। हम आश्वासन लेंगे भी नहीं, हमें जो भी आश्वासन मिलेगा हम लिखित में लेंगे। हमारी मतलब मांग रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे आश्वासन मिलेगा ना, तो वो ही लिखित में लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे। और हम कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम 20,000 कैंडिडेट है और 20,000 की फैमिली है, सब के इतनी बदुआ लगेगी कांग्रेस सरकार को जिंदगी भर, आज नहीं जिंदगी भर लगेगी। और आज हम मतलब 21 तारीख तक के लिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं बीजेपी सरकार से कि हमें ज्वाइनिंग दे दो आप, तो हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे और फिर जिंदगी भर हमारा परिवार भी आपका एहसान मानेगा। 20,000 के सबके परिवार आपका एहसान मानेंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक हम बीजेपी के साथ में ही पक्ष में ही रहेंगे, इसलिए आप हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दो बस। देखिए, महिलाएं लगातार प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है और लगातार इनकी मांग है कि 20,546 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए और जल्दी से इन परिवारों को खुशियाँ मिले। कुछ अभ्यर्थी और लगातार हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हो, बोर्ड द्वारा कोई आपका वो हुआ? सर, मैं अमित कुमार मीणा ECG टेक्नीशियन से हूँ, जेलन से। यहाँ पे हम 3 दिन से ऐसे लगे दिन रात, हमें कोई भी फैसला नहीं मिल रहा। सरकार को पता चल गई की बात है कि हाँ भाई आपका सुनाई देंगे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, ना सिपू से रिप्लाई आ रहा है, ना बाहर से रिप्लाई आ रहा है। हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग का कोई वो नहीं आएगा, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, जितना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। हमारे साथी भी परेशान है, 2 साल से सब फॉर्म भर रखे हैं, उनके ज्वाइनिंग नहीं मिले। सबको पता था कि हाँ भाई हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे सरकार हमें, क्या चाहिए सरकार को हमसे? देखिए, लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को सरकार के सामने पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 3 दिनों से आप धरना दे रहे हो, आपकी बोर्ड नहीं सुन रहा है या सरकार नहीं सुन रही? सरकार नहीं सुन रही है। मैं फार्मासिस्ट हूँ और सिरोही से आ रहा हूँ। मैं लगभग 15 साल से संविदा पे काम कर रहा हूँ। एक तो हमारी ये उम्र हो गई, अब इसके बाद तो आगे कोई हमारी नौकरी का संभावना तो व्यक्त होगी, और सरकार ने ऐसे ही संस्था को ये नियुक्ति का ये पूरा दिया हुआ है जो नौसी की संस्था है। पहली बार सिपू कोई भर्ती करवा रही है, और इसके हिसाब से उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यानी डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है तभी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन बाकी है। उन्होंने कम से कम 10 महीने से ये लटका रखा है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिन्होंने इस पूरी भर्ती के नियमित जिस तरह का जो भ्रष्टाचार किया, उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, ताकि हमारे परिवार में भी जिस तरह से प्रभु श्री राम को अपना नया घर मिल रहा है, उसी तरह हमारे भी घर में खुशियाँ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सिरोही से हूँ, और नियुक्ति के लिए आए हैं और नियुक्ति लेके जाएंगे, भले इसके लिए हमें प्राण क्यों नहीं देने पड़े। जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई भर्ती है, और सरकार से हम आह्वान करेंगे कि वो जल्द से जल्द भर्ती पूरी करवाएं। पिछले 3 दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हो, बोर्ड द्वारा कोई आश्वासन मिला? मेरा नाम नीतू चौधरी है, मैं जोधपुर से हूँ, NM प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई थी, तब थालियाँ बजवाई गई, घंटियाँ बजवाई गई। आज वही BJP की सरकार हमारे राजस्थान में आई है, यहाँ पे बहन बेटियाँ सब रोडों पे बैठी है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जब मेडिकल स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला करके काम किया था, आज कहाँ हम लोगों में चूक रह गई जो सरकार हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, ना तो हमें घंटियाँ चाहिए और ना हमें थालियाँ चाहिए, हम सबको नियुक्ति चाहिए और हम नियुक्ति लेकर ही यहाँ से हटेंगे। मैम,
पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, अगर ऐसे इधर ना चलता रहेगा आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम 22 तारीख वाले दिन हम CMR कूच करेंगे, भाजपा कार्यालय घेरेंगे, क्योंकि वहाँ पे घी के दीपक जलाएंगे। हमारे घी के दीपक घर में बुझे पड़े हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति चाहिए। हम घर से बाहर निकले हैं तो नियुक्ति के लिए निकले हैं।